हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी पे। दैट्स मी शिवम कुमार, वेलकम टू माय चैनल। तो जी नमस्कार, मैं हूँ शिवम कुमार और आप सभी का स्वागत है संगीत शिक्षा हिंदी चैनल पर। तो आज मैं आपको तबले के विषय में बहुत ही अहम जानकारी देना चाहता हूँ। जो लोग तबला सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो ये पहला ट्यूटोरियल है तबले का, जिसमें मैं तबले के बेसिक आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको हाथ का रखरखाव करना है, साथ ही साथ तबले के बोलों के बारे में और तबले के बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। सो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसी से कंटिन्यू रहेगा, पार्ट टू रहेगा इसका, जिसमें मैं आपको तबले के दोनों बोलों को मिलाकर जो बोल बनते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, कैसे उनको बजाएंगे। फिर उसके बाद तालों का अध्ययन और साथ ही साथ कुछ तबले से रिलेटेड जानकारी, जैसे तबले का देखरेख कैसे करें, ट्यूनिंग कैसे करें और कैसे खरीदें, कौन सा तबला सही है। और तबला खरीदने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तबला क्लासेस के लिए, वोकल क्लासेस के लिए। ओके, सो संपर्क करने के लिए डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अभी हम चलते हैं तबले की ओर और देखते हैं, सीखते हैं और कैसे उन बोलों को बजाना है ये मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप यू विल लाइक इट। सो प्लीज डू सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द तबला। सो तबला इंट्रोडक्शन पार्ट वन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा तबले के बोल और तबले के बारे में, ओके, इस वीडियो में। फिर अगला पार्ट टू आएगा, जिसमें मैं दोनों के बोलों को मिलाकर जो बोल बनते हैं और उनको कैसे बजाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें सिर्फ आपको बोल बताऊंगा, दाएं के बाएं के। तो उससे पहले तबले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तबला है। बेसिकली तबला इसे बोला जाता है, तो इसको दाया बोलते हैं, इसको बाया बोलते हैं और दोनों को मिलाकर तबला बोलते हैं, ओके। तो तबला के विषय में ये कहा जाता है कि इसका इजाद, इसका आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था, पखावज को दो भागों में विभाजित करके, ओके। अब हम चलते हैं इन दोनों के बोलों के बारे में कि कैसे बजेंगे, कैसे निकास है और साथ ही साथ कौन कौन से इसके बोल हैं। तो देखिए, दाया और बाया, दाया इसीलिए कहते हैं जो राइट हैंड प्लेयर होते हैं उनके लिए ये दाया है, और जो लेफ्ट हैंड प्लेयर है तो उनके लिए फिर क्रॉस हो जाएगा, यानी लेफ्ट से उनका तबला होगा और राइट से उनका ये जो होगा बेस, इसको बेस ड्रम भी बोलते हैं और इसको तबला, ओके। सो इसके 8 बोल है, इसके 6 बोल है, तो टोटल 14 बोल है, ऑप्शनल है ज्यादातर। तो देखिए, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड वाले तबले के बोल देखिए। तो देखिए, उससे पहले मैं तबले के पार्ट्स और बता देता हूं, सॉरी। देखिए, ये तबले के पार्ट में कौन कौन से जो पोर्शंस हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो देख रहे हैं ऊपर बना हुआ है, इसको पूरी बोलते हैं, ओके, पूरी बोलते हैं। तो इसके 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये है चाटी, इस पर हम हिट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये पोर्शन जो है ये है लव, स्याही और चाटी के बीच वाला पोर्शन जो है वो है लव, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ पार्ट बता रहा हूं, साउंड बाद में सुनाऊंगा अच्छे से। स्याही, ये स्याही का पोर्शन है, तो इस पर ते ते तेरे बोल बजते हैं, इसके बोल भी अलग है, ओके। फिर ये गजरा है, ये बद्दी है, स्ट्रिप्स, ठीक है, ये गट्टे हैं वुडन ब्लॉक्स ट्यूनिंग करने के लिए, ओके। इसको नीचे करेंगे तो हायर नोट पर जाएगा, ऊपर करेंगे तो तबला उतरता जाएगा, वो मैं ट्यूनिंग का वीडियो अलग से बनाऊंगा, ओके। अब चलते हैं बाएं की ओर, डग्गे की ओर। तो देखिए, इसमें जो खुला हुआ एरिया आपको दिख रहा है ये है मैदान, ये है गोट, ये है स्याही ब्लैक पोर्शन, फिर से सेम इज इट एज स्याही, ये गजरा और ये कहीं कहीं रस्सी भी होती है, कहीं कहीं स्ट्रिप भी होती है, सो नो प्रॉब्लम, ओके। सो नीचे रिंग सेट है और इसका कवर आता है, और जो लोग तबला हमसे लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं तबले के लिए भी। तबला भी अवेलेबल है, हारमोनियम भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, तबले की भी आप फॉर्म भी भर सकते हैं। जो भी रिलेटेड टू द म्यूजिक जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ओके। सो अब चलते हैं हम तबले के बोलों की तरफ। तो देखिए, जो चाटी पर बोल बजेंगे, ये चाटी है ना, तो इस पर जो बोल बजेंगे वो है ना और ता, दो बोल है ना और ता, ना और ता। हाथ का रखरखाव कैसे करना है, देखिए, बेस पर, बेस ड्रम पर सर्पाकार आपको हैंड का पोजीशन बनाना है इस तरह से, और एक फिंगर आप सेकंड वाली या तीनों भी यूज कर सकते हैं, हल्के से हिट करना, उठा लेना, हिट करना, उठा लेना। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड का, ये इजी है। राइट हैंड का हाथ का रखरखाव में देखिए, इस तरह से पोजिशन हैंड की होनी चाहिए, ये फिंगर, रिंग फिंगर जो है आपकी रुकी होनी चाहिए स्याही पर, हल्के से, पूरी स्याही पर नहीं आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, और ये पूरा लिफ्ट होना चाहिए। थंब से आप सपोर्ट लेंगे, ये लिफ्ट करेंगे, ये उंगली लिफ्ट ही रहेगी, अगर ये बंद कर ली तो आवाज नहीं आएगी। इसको खड़ा ही रखना है और इस ऐसे ऐसे हिट करना है, धीरे धीरे आप हिट करेंगे,
धीरे धीरे आवाज आना शुरू हो जाएगी तबले से। तो अब चलते हैं बोलों की ओर। तो पहला बोल है तबले पर बजने वाला, ना और ता सेम है, सेम तरीके से ही बजेंगे और सेम साउंड प्रोड्यूस होगा, बस बोलने में फर्क है। ना और ता, ना और ता, ना ता, वो बोल बोल के हिसाब से एडजस्ट हो जाते, नागे तिट ताके तिट इस तरह से। तो ना ता। फिर आते हैं लब का एक बोल है तिन, ये मार कर आपको हिट कर कर उठा लेनी है, उंगली चिपकानी नहीं है, तिन। फिर एक बोल है तू, एकदम खुला बोल है, हिट कर रहा है बस, तू भी है थुन भी है, दोनों ही चीज है, तू और तू, तू और तू। फिर स्याही के बोल है टेट, टेट टेर, टेट टेर, सेम बजेगा, सेम तरीके से बजेगा, सेम बोल है, बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। टेट टेर, टेट टेर। एक बोल और बचा पखावजी बोल है दिन, ये आप देख रहे हैं इतना पोर्शन ये जो है उठाकर गजरे से मार, तो ये सामने आएगा दिन, टोटल हो गए आठ, ना और ता दो, तिन तीसरा, तू चौथा, थुन पांचवा, तेट या तेर सात हो गए, और ये आपका बचा दिन। ये बोल आपके पूरे हो गए। अब चलते हैं डग्गे की ओर। तो ये सोलो बोल है, मतलब कि ये सिंगल सिंगल इन दोनों के अलग अलग बोल है, बाकी इन दोनों को मिलाकर भी बोल बनते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ओके, अब इसके बोल बहुत सिंपल है, छह बोल है, देखिए गे घे घे। अब चीज वही, एक ही चीज है, बस थोड़ा सा प्रेशर लगा कर घे हो गया, घे गा घे घे गा घे घे गा घे घे, तो वही चीज है, बस बोल को यूज करने का तरीका अलग है। धागे त्रिकेट धाग दिनक, तो वो चीज गा गे है ना, और घे 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 नाना, इस तरह से वही का के की, का के की, का के की, वही चीज। आप चाहे फिंगर से मार लो, चाहे पूरा बंद करके मार लो, है ना। तो ये चीज है, तो ये बोल हो गए घा घे घे का के की, ठीक है, ना ता तिन तू तू फुल, एक ही बात है, टेट टेर, टेट टेर। ओके, सो मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ, एंड अगला पार्ट कंटिन्यू रहेगा इसके बाद, इन दोनों को मिलाकर हम बोल बताएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू।